लेकिन अभी तक पुलिस रिमांड को लेकर अभी ऑर्डर नहीं आया हुआ है कि आखिर कितने दिन की कस्टडी दी गई है। यहाँ पर जो आरोपियों को लेकर अधिकारी पहुँचे थे उन्होंने ये बताया हुआ है कि ऑर्डर को अभी कुछ समय के बाद आएगा कि कितने दिन की कस्टडी कोर्ट की तरफ से ग्रांट की गई है इन तीनों के लिए। लेकिन सुरक्षा को देख कर आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इन तीनों को लेकर जो इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे पुलिस को कि इन तीनों पर हमला हो सकता है, पहला इन तीनों की जान को खतरा अतीक गैंग से तो है ही, इसके साथ साथ जो भी इन तीनों को जिसने भी हायर किया होगा, जो भी इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है उससे भी इन तीनों को खतरा है। यही वजह है कि 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती कोर्ट परिसर के बाहर और अंदर के हिस्से में कोर्ट के अंदर की गई थी। आप देख सकती हैं तस्वीरों में आरएएफ के जवानों को किस तरह से अंदर रखा गया था, जहां पर कोर्ट परिसर में जो कोर्ट रूम था वहां पर इन तीनों को पेशी की गई थी। कोर्ट रूम में उन्हीं वकील को जाने की इजाज़त दी गई थी जो इस केस से जुड़े हुए हैं, अन्यथा अन्य सभीों को बाहर के हिस्से में रखा गया था, क्योंकि इनकी सुरक्षा प्रयागराज पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जिस तरह से 15 अप्रैल की घटना घटी, अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतारा इन तीनों ने, शूटरों ने अस्पताल में, ऐसे में प्रयागराज पुलिस पर पहले ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इन पर कोई हमला ना हो उसे ध्यान में रखते हुए पुलिस बल की तैनाती इस कचहरी में यहाँ पर बड़ी मात्रा में की गई थी। पुलिस बल आपको हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी नज़र आ जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है। पूरा बाकायदा यहाँ पर रस्सा लगाया गया था कि कोई भी जो बाहरी शख्स है वो अंदर कोर्ट में ना जा सके। इसके साथ साथ मीडिया कर्मियों को भी आज के इस कोर्ट की सुनवाई के दौरान बाहर रखा गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आखिर इन तीनों की सुरक्षा प्रयागराज पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि जब इनकी कस्टडी अब मिल चुकी है प्रयागराज पुलिस को, तो आखिर इनसे जो आज कड़ी पूछताछ की जानी है और उसके बाद रिक्रिएशन किया जाना है, उस स्पॉट पर लेकर जाएंगे कॉल्विन अस्पताल, तो आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है और इनके सीने में जो दफन राज हैं कि आखिर क्यों इन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, इन्हें फंडिंग किसने की, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भारत में बैन जिग्ना टर्किश पिस्टल है उसने किसने इन सभी को मुहैया कराई थी, किसने इनके रहने खाने और ट्रैवलिंग का पूरा बंदोबस्त किया था, और जो अज्ञात जो FIR दर्ज है शाहगंज पुलिस स्टेशन उसमें 2 अज्ञात लोगों का नाम है, तो 2 अज्ञात कौन है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।